हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर एंड रीड किया जाता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इनसाइड कंप्यूटर हार्ड डिस्क, जिसमें हार्ड डिस्क हम ओपन करके देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हार्ड डिस्क को सीपीयू से बाहर निकालने वाले हैं, तो चलो हार्ड डिस्क को बाहर निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीपीयू का कवर निकालना है, उसके बाद ये रहा हमारा हार्ड डिस्क और उसके सारे स्क्रू कैबिनेट से आपको रिमूव करना है। तो ये हार्ड डिस्क हमारा बाहर आ गया और जो डेटा केबल एंड पावर केबल होगा उसको आपको डिटैच करना होगा। तो चलो अभी ये रहा हमारा हार्ड डिस्क, अभी हम क्या करेंगे, इसके स्क्रू रिमूव करने वाले हैं। आपको प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर लेना है, स्क्रू ड्राइवर का प्रॉपर बिट सिलेक्ट करना है और हार्ड डिस्क के स्क्रू रिमूव करना है। तो वन बाय वन हम हार्ड डिस्क के स्क्रू अभी रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने सारे स्क्रू रिमूव कर दिए हैं, लेकिन एक स्क्रू बाकी है, एक स्क्रू आपका बाकी है जिसकी वजह से कवर ओपन नहीं होगा। अगर आप लेबल को चेक करके देखोगे आपको कहीं ना कहीं ऐसे महसूस होगा कि कहीं एक स्क्रू बाकी है, तो वहाँ आपको थोड़ा टियर करना होगा और आपको स्क्रू मिल जाएगा। वो लोकेशन फाइंड आउट करके आपको ये स्क्रू रिमूव करना था। यहाँ देखो मैं ये लेबल निकाल रहा हूँ और ये रहा आपका स्क्रू, तो रिमूव करो इसे। अब इस स्क्रू को रिमूव करना है आपको, और रिमूव होने के बाद अभी हम इसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये आसानी से ओपन नहीं होगा तो एक थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, एक प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर लेके आप उसे एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हो। तो वो लोकेशन भी आपको प्रॉपरली चूज़ करना होगा कि आपको फोर्स कहाँ से लगाना है, अदरवाइज डिस्क डैमेज होने के चांसेस है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसके बाद ये निकल जाएगा। तो ये देखो आपका केस ओपन हो रहा है, तो ये एक ग्लू की वजह से ओपन नहीं हो रहा था, ताकि डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए इसलिए ग्लू को अप्लाई किया जाता है। तो आप यहाँ देख पाओगे कि बहुत ही शाइन कर रहा है डिस्क, और डिस्क में आप मेरा फेस भी देख पा रहे हो। ओके, तो बाकी आप कंपोनेंट भी देख पाओगे कि रीड राइट हेड होता है, और ये एक सिलिकॉन मटेरियल होता है या सिलिकॉन पाउच आप बोल सकते हो, जो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है, ताकि कोई भी मॉइस्चर हार्ड डिस्क के अंदर एंटर कर गया तो वो पाउच उसे एब्सॉर्ब कर लेगा, इस पर्पज से वो वहाँ रखा जाता है। इसके बाद ये शाइन करने वाला डिस्क होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, लेज़र बीम से डेटा रीड एंड राइट किया जाता है। वो जो आप आर्मेचर या हेड देख रहे हो वो उसके थ्रू रीड राइट किया जाता है। और यहाँ आप देखोगे ये पीसीबी है, और ये डेटा इनपुट आउटपुट पोर्ट है जहाँ से डेटा इन होता है और आउट होता है, और ये आपका पावर पोर्ट होता है जहाँ से पावर सप्लाई मिलता है हार्ड डिस्क को, ये होता है पावर पोर्ट, ये SMPS से डायरेक्टली हार्ड डिस्क को कनेक्ट होता है। और आप ये जो देखोगे मिडल में ये स्टेपर मोटर होता है जो डिस्क को रोटेट करने का काम करता है, और उसका RPM बहुत ही हाई होता है। तो ये देखो कि डिस्क अगर रोटेट होता है तो कैसे दिखता है, और अगर इसको स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड ज़्यादा ही होता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रोटेट हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर कुछ रख के आपको दिखाता हूँ तो ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कैमरा में ये दिखाई ही नहीं देगा कि ये रोटेट हो रहा है, क्योंकि ये इतना शाइनी है। तो ये हार्ड डिस्क का होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ ये रीड राइट हेड होता है। वैसे ये हेड दोनों साइड से काम करता है, अगर ये आपका फ्रंट साइड दिख रहा है जो डिस्क का एक ही साइड आपको दिख रहा है, दूसरी साइड में भी रीड राइट का काम होता है, ये दोनों साइड यूज होते हैं डिस्क के,
बाकी सीडी डीवीडी में एक ही साइड यूज़ होता है, लेकिन इस डिस्क के दोनों साइड यूज़ होते हैं। वो हम डिसेंबल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों साइड में भी रीड राइट किया जाता है। तो चलो पूरे हार्ड डिस्क को अभी हम डिसमेंटल करते हैं, लेकिन डिसमेंटल करने से पहले हम इसको पावर सप्लाई देख के देखेंगे, कुछ डेटा रीड एंड राइट करके देखेंगे। तो इससे अभी हम कनेक्ट करेंगे सीपीयू से। तो इसके लिए मुझे चाहिए डेटा केबल एंड पावर केबल जो मैंने अभी कनेक्ट किया हुआ है, और मैंने सीपीयू स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आप मूवमेंट देख पा रहे हो, रीड राइट हेड की मूवमेंट आप क्लियरली देख पाओगे कि जो रीड कर रहा है, डेटा को रीड कर रहा है। मीन्स अभी मैंने सीपीयू स्टार्ट किया हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रही है, तो वो डेटा को रीड कर रहा है। तो आप क्लियरली देख पाओगे कि डिस्क से डेटा कैसे रीड किया जाता है। जैसे आपको सिर्फ मूवमेंट दिखाई देगी क्योंकि वो इतना नैनो टेक्नोलॉजी से काम किया जाता है उस हेड के एंड के ऊपर, तो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा तो ये आपको पता चलेगा। एक्चुअली वहाँ एक लेज़र का बीम होता है जो रीड राइट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका वर्किंग कंडीशन। अभी हम इसे टोटली डिसमेंटल करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमें रिमूव करने होंगे जो भी स्क्रू अटैच है, उसको रिमूव करने होंगे। तो चलो अभी इसे पूरा हम डिसेंबल करके देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ये जो हेड है, रीड राइट हेड, इसे रिमूव करते हैं। तो इसका जो केबल है, शायद से यहाँ प्लगइन है, हमें उसे रिमूव करना होगा। ये कैसे रिमूव करेंगे, शायद से ये यहाँ से कनेक्टेड है, इसका केबल नीचे है। तो चलो ये रिमूव करके देखते हैं पहले क्या है ये। ये शायद से नीचे से कनेक्टेड है, हमें नीचे का भी स्क्रू रिमूव करना पड़ेगा। तो चलो इस साइड से पहले इसे डिसमेंटल करते हैं। चलो एक स्क्रू निकल गया, देखते हैं कैसे रिमूव होगा। तो यहाँ भी एक स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ भी है। और कहीं तो नहीं है, यहाँ भी है। और ये देखो ये पूरा सर्किट निकल गया। अभी ये था आपका सर्किट पूरा जो क्या काम कर रहा था, यहाँ से कनेक्शन थे और यहाँ से यहाँ जा रहे थे। ठीक है, तो ये था कनेक्शन। अभी ये इसको हमने कर दिया रिमूव। ठीक है, अभी इसे हम रखते हैं साइड में। एक बार आप देख सकते हो ये इसका पीसीबी है, बोल सकते हो आप इसे पीसीबी है। इसके ऊपर बाकी आईसीज भी लगे हुए हैं। ओके, तो अभी इसको हम उस साइड का है, ये देखो निकल गया, थोड़ा पुश करना था और ये निकल गया इसका सर्किट। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि इसका सर्किट है, हम ऐसे ही रहने देते हैं इसे। अभी ये बाकी डिसेंबल करते हैं। ठीक है, ये देखो इसका स्क्रू निकल गया। अभी ये हमें रिमूव करना है। ये आप देखोगे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, अगर आप देखोगे तो ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिखाई दे रहा है। ये वैसे मैग्नेट है, नियोडिम मैग्नेट यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसमें ज़्यादा डिमांड होती है। तो चलो अभी ये हम इसे रिमूव करना है। तो ये यहाँ आप एक स्क्रू दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ से डिसम ये करना है। और देखो ये रोटेट हो गया और शायद से काम भी कर रहा है। जैसे हम इसको खोल लेते हैं ये शायद से बाहर आना चाहिए। तो ये इससे रोटेट तो हो गया है, इससे ये यहाँ तो कुछ है, ये बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट है, इसकी वजह से ये ऊपर नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा इसको पुश कर देता हूँ। ये देखो ये नियोडियम मैग्नेट है, अगर आप यहाँ देखोगे ना ये मैग्नेट है वो। ठीक है, ये मैग्नेट होता है जो इसको
मैग्नेटिक पावर प्रोवाइड करती है। इसके नीचे भी एक होता है, ऊपर भी होता है, और बीच में आप देखोगे ये कॉइल होता है जिसके अंदर अगर आप करंट पास करोगे ना तो फिर इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से ये मूव होता है इधर उधर। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इसे मूव करोगे तो ये मे बी क्रैशेस आ सकते हैं आपके हार्ड डिस्क के ऊपर, और आप एक क्रैश अभी देख भी पाओगे कि मैंने ऐसे मूव किया है तो उसकी वजह से क्रैश आ गया आपके हार्ड डिस्क के ऊपर, तो ऐसे आपकी हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है। अगर आप ऐसे करोगे तो हार्ड डिस्क अभी डैमेज होने के चांसेस है। तो चलो मैं इसे प्रॉपरली पूरा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसे रिमूव करना है हमें टोटली। तो देखते हैं पूरा रिमूव करने के लिए इसका पूरा ये निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे बाद में निकलेगा। देखो निकल गया, ये आपका रीड राइट हेड है, ये आपका रीड राइट हेड है। यहाँ आप देख पाओगे कि यहाँ कॉइल लगा हुआ है, और यहाँ ये अगर आप देखोगे तो यहाँ आपकी रीड राइट हेड होता है। यहाँ देखो, ये देखो, ये यहाँ लेज़र का एक चीफ होता है जो रीड भी करने के लिए हेल्प करता है और राइट भी करने के लिए हेल्प करता है, तो दोनों तरफ से होता है। तो देखो, और इसके अंदर डिस्क होता है ऐसे, ठीक है, और ऐसे इसके अंदर जब करंट जाता है ना ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये आपका मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, अभी हम इस डिस्क को निकाल के देखते हैं। ये भी एक मैग्नेट है, अगर आप ये भी देखोगे, ये देखो कितना स्ट्रांग मैग्नेट है। ठीक है, ये भी एक मैग्नेट है। चलो अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको डिसमेंटल करके देखते हैं कि एक्चुअली ये इसमें क्या कैसे होता है। अभी इसे थोड़ा पकड़ के ही डिसमेंटल करना पड़ेगा, बाकी मैं साइड में रख देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें स्टफ आ गया बीच में, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। हाँ, और अभी ये स्क्रू भी साइड में। हाँ, अभी आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। बहुत सारा कचरा भी हो गया है। हाँ, तो फर्स्ट हो गया, यहाँ रख देता हूँ इसके बाद। सेकेंड, ये देखो हार्ड डिस्क को जब टच होता है तो उसके ऊपर डस्ट इंपैक्ट आ जाते हैं। अगर आप देखोगे, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ देखो, जब आप हाथ लगाते हो तो यहाँ ऐसे डस्ट के इंपैक्ट आ रहे हैं, तो ये हार्ड डिस्क के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे आपका स्पीड घट जाता है, डेटा लॉस हो सकता है, या हार्ड डिस्क खराब हो सकता है, क्रैश हो सकता है। और ये देखो, ये हमारा डिसमेंटलिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आप ये देखो, ये डिस्क निकाल लिया हमने। ये डिस्क होता है ऊपर लगाने के लिए, सपोर्ट के लिए। और अब ये निकालना कैसे, ये देखो ये डिस्क निकलती है, और इसके बाद आप क्या करो ना, डायरेक्टली इसको ऐसे हाथ से निकाल सकते हो ज़्यादा फोर्स लगाने की। और अभी ये साइड देखो कितनी शाइनी है, क्योंकि वहाँ टच ही नहीं किया। ये देखो, तो ये आप देख पाओगे, ये है आपका हार्ड डिस्क। इसके अंदर जो डिस्क है बहुत ही शाइनी है, और आप इसे एज ए मिरर की तरह यूज कर सकते हो। मीन्स आप इसको अपने पर्स में रख सकते हो, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है कि इसके ऊपर क्रैश आ जाएंगे। जैसे कोई मिरर के ऊपर नहीं आते, इसके ऊपर क्रैश आ सकते हैं। तो सिर्फ फर्स्ट एक दो बार ही आप इसे यूज़ कर पाओगे, बाद में सब क्रैशेस आ जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन अभी के लिए बहुत ही शाइनी, अगर आप इसे मिरर की तरह यूज़ कर सकते हो जहाँ आपको लगता है, ठीक है, कि कोई टच नहीं करेगा वहाँ। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे। ये आपका हार्ड डिस्क है, ऐसे मेटल का लग रहा है, लेकिन मेटल का है नहीं, हो भी सकता है, आई डोंट नो। ओके, तो इसमें डेटा स्टोर होता है जो भी, अगर आपका 1 GB हार्ड डिस्क है, 2 TB हार्ड डिस्क है। और यहाँ देखो, दोनों साइड से राइट होता है अगर ये हार्ड डिस्क है। और कभी कभी एक हार्ड डिस्क में 2-3 डिस्क निकल सकते हैं, अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसमें 2-3 डिस्क निकल सकते हैं। ये देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें ये डिस्क इंसर्ट करता हूँ। तो ये ऐसे रोटेट होता है, इस साइड से भी होता है, इस साइड से भी होता है, दोनों साइड से भी होता है। ठीक है, तो ये आपका हार्ड डिस्क है, ये आपका रीड राइट हेड है, और ये देखो ये सब मटेरियल है। इसको भी हम निकाल के देखते हैं, ये जो डीसी, ये जो मोटर है, इसे
स्टेपर मोटर बोलते हैं, इसे भी हम डिसेंबल करते हैं, डिसमेंटल करते हैं। और पता है ये जो मोटर होती है आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, मीन्स कोई एक्सपेरिमेंट है आपका साइंटिफिक तो उसमें भी ये मोटर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पुरानी हार्ड डिस्क है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारा स्टफ हो गया, ये देखो ये आपकी स्टेपर मोटर है, ठीक है। तो ये आपको रोटेशन प्रोवाइड करती है, हाई स्पीड मोटर होती है, ये हाई स्पीड मोटर होती है। अगर आप इसे रोटेट करोगे तो बहुत ही स्पीडली रोटेट हो जाती है ये, और ये आपके डिस्क को रोटेट करती है। अगर मैं इसमें डिस्क इंसर्ट करूँ आप ये देख पाओगे कि ये आपकी डिस्क को रोटेट करती है, और इसके ऊपर ऐसे डिस्क लगे होते हैं ऐसे, और ये ऊपर से फिट कर देता है इसको। तो ये देखो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें अभी पावर दिए ना तो और काम तमाम क्रैश हो गया पूरा, हार्ड डिस्क खराब, ये देखो क्रैश आ गया। तो ये हमारा हार्ड डिस्क था, और तो ये हो गया डिसमेंटलिंग। और ये तो अभी खाली एक डिब्बा बाकी हो गया, वैसे आप चाहे तो ये भी निकाल सकते हो, आप चाहते हो तो हम ये भी निकाल देते हैं, इस पूरा डिसमेंटलिंग हो जाएगा। ये देखो पूरा डिसमेंटल हो गया। अभी ये सिर्फ एक आप इसे चासिस बोल सकते हो या आप इसे एक बेस बोल सकते हो, यही बाकी मेटल का बाकी रह गया, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे भी रख दो, बस अभी सारे कंपोनेंट हम सेपरेट रख देते हैं। तो ये रहे सारे कंपोनेंट्स हार्ड डिस्क के। आई होप आपको प्रॉपर नॉलेज मिला होगा हार्ड डिस्क का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।